जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नाम हिम्मत मेहदी नहीं है, मेरा नाम जीडी है। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्प? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं, उसकी मोहब्बत में। वो बच गया क्योंकि मैंने चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। व्हाई आर यू फॉलोइंग मी? व्हाट? चलो तेरा पति चाहिए। मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। What does this mean? वो तो अभी तक छानबीन कर रहे हैं। जब तक हम जिंदा ये छानबीन चलती है। Sorry, you've been worried. टीजर क्या है? इस टीजर की खास बातें, कैसा है अक्षय खन्ना का रोल, अजय देवगन और तब्बू की अपकमिंग मूवी दृश्यम 2 के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके पहले पार्ट को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और ये मूवी सेम नेम मलयालम मूवी का रीमेक है। और आज पैनोरामा स्टूडियोज ने ट्विटर पर इस मूवी का एक छोटा सा टीजर रिलीज किया है, तो चलिए देखते हैं कैसा है ये टीजर। बात करें इस मूवी की तो ये मूवी वहीं से शुरू होने वाली है जहां खत्म हुई थी। शब्दों और दृश्यों का ये खेल लंबा चलने वाला है और केस होने वाला है रीओपन। विजय सालगांवकर यानी अजय ने अपने परिवार को बचाने के लिए शब्दों और दृश्यों का ऐसा खेल रचा था कि जिस तक कानून के लंबे हाथ भी नहीं पहुंच पाए। और अब 18 नवंबर को ये केस हो रहा है रीओपन। और इस बार मीरा देशमुख अकेले नहीं है बल्कि उनका साथ देने आए हैं राहुल खन्ना, जो एक वकील के अवतार में नजर आ रहे हैं। इस टीजर की सबसे बड़ी हाईलाइट अक्षय खन्ना और अजय देवगन दोनों ही हैं, जो एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। और अक्षय ने तो मानो ये ठान ही लिया है कि वो अजय से कन्फेस करा कर ही रहेंगे, तो वहीं अजय यानी विजय भी अपने परिवार को बचाने के लिए एकदम तैयार है। साथ ही जब तब्बू यानी मीरा विजय के लिए बोलती है इसे सोचने का मौका बिल्कुल मत देना, ये बहुत ही चालाक है, तब ये पता चलता है कि विजय की स्मार्टनेस से पुलिस भी वाकिफ है। और इसके साथ ही अक्षय खन्ना का डायलॉग दुश्मन को हराने का मौका खुद दुश्मन ही देता है, उनका एक काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर दिखाता है, जिस पर से एक बात तो तय है कि इस बार पुलिस और विजय का आमना सामना काफी जबरदस्त होने वाला है और कोई आ गया है जो विजय को उसी के बने जाल में फंसाने वाला है। इस मूवी के सभी किरदार और उन्हें प्ले कर रहे एक्टर्स एक सही चॉइस है, फिर वो अजय हो, तब्बू हो, श्रिया शरण हो या इशिता दत्ता। और कहानी में अक्षय खन्ना की एंट्री एक नया ट्विस्ट लेकर आई है। थ्रिल और क्राइम से भरी इस मूवी में एक बार फिर एक फैमिली मैन कानून के खिलाफ लड़ता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही बात करें मूवी के विजुअल्स की तो वो 30 सेकंड के टीजर से ही पता चल जाता है कि इस मूवी में कितने अच्छे और बेहतर विजुअल्स इस्तेमाल किए गए हैं। और मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है और साथ ही बैकग्राउंड में प्ले हो रहा म्यूजिक भी जबरदस्त है। तो क्या आपने देखा ये टीजर और क्या आप भी हैं अजय की इस अपकमिंग मूवी को 18 नवंबर को देखने के लिए तैयार? सालगांवकर का सच आएगा बाहर? कौन देगा आईजी मीरा का साथ? क्या अक्षय विजय की फैमिली का सच पकड़ पाएगा? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अजय देवगन, तब्बू और श्रिया शरण स्टारर दृश्यम 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कि पूरी तरह से सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हुआ है। खास बात तो ये है कि इस बार दृश्यम 2 में एक्टर अक्षय खन्ना भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यूं तो ट्रेलर में अजय देवगन और तब्बू की एक्टिंग भी कमाल की है। दृश्यम 2 के ट्रेलर में अक्षय खन्ना बतौर इन्वेस्टिगेटर नजर आए, जिसने विजय सालगांवकर से सच उगलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दोस्तों, साथ ही रिलीज हुए नए प्रोमो में विजय अपने फैमिली ग्रुप में बातचीत कर रहा है कि वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने देगा।
इस पर उसकी बेटी और बीवी भी मैसेज का रिप्लाई करती है और कहती है कि क्या हम पकड़े गए हैं। तब विजय रिप्लाई करता है और कहता है, नहीं, मैं अपनी फैमिली को यानी तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अक्षय पूरे सच की जांच कर रहे हैं, वो विजय और उसकी फैमिली की सारी बातों की जांच भी करेगा जिससे सच खुद पर खुद सामने आ जाएगा। साथ ही फिल्म में आईजी मीरा और अक्षय की मदद करने के लिए सोनी टीवी के पॉपुलर शो सीआईडी से एसीपी प्रद्युम्न की सेना यानी कि अभिजीत सावंत और दरवाजा तोड़ दया दृश्यम 2 में फिल्म में एंट्री करने वाले हैं, जो केस को सुलझाने में हेल्प करेंगे। जी हां दोस्तों, इसकी जानकारियां सुमित काडाल ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर दी है, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें एसीपी अभिजीत और दया किसी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये देखने के बाद खुद फैंस भी इनको बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत बेताब है। वहीं यूजर ने इनको फिल्म में कास्ट करने के लिए मेकर्स का शुक्रिया अदा किया है। एक यूजर ने लिखा कि शुक्रिया, आपने इन्हें कास्ट किया। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 इसी साल 18 नवंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म में अजय देवगन विजय सालगांवकर की भूमिका में दिखाई देंगे, वहीं तब्बू मूवी में मीरा देशमुख की भूमिका अदा करेंगे। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सालगांवकर का सच आएगा बाहर, कैसे उठेगा सच से पर्दा, क्या अक्षय विजय की फैमिली का सच पकड़ पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अजय देवगन, तब्बू, अश्रिया सरन स्टारर दृश्यम 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कि पूरी तरह से सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हुआ है। खास बात तो ये है कि इस बार दृश्यम 2 में एक्टर अक्षय खन्ना भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यूं तो ट्रेलर में अजय देवगन और तब्बू की एक्टिंग भी कमाल की है। दृश्यम 2 के ट्रेलर में अक्षय खन्ना बतौर इन्वेस्टिगेटर नजर आए, जिसने विजय सालगांवकर से सच उगलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। साथ ही रिलीज हुए नए प्रोमो में विजय अपनी फैमिली ग्रुप में बात कर रहा है कि वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने देगा। दोस्तों, इस पर उसकी बेटी और बीवी की मैसेज का रिप्लाई करती है और कहती है, क्या हम पकड़े गए हैं। तब विजय रिप्लाई करता है, नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अक्षय पूरे सच की जांच कर रहे हैं, वो विजय और उसकी फैमिली की सारी बातों की जांच भी करेगा जिससे सच खुद पे खुद सामने आ जाएगा। दोस्तों, आगे बता दें आपको कि ट्रेलर देखने के बाद खुद फैंस भी अक्षय खन्ना को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब दिखाई दिए। एक यूजर ने ट्रेलर में अक्षय खन्ना की एक्टिंग पर रिएक्शन देते हुए लिखा कि अक्षय खन्ना को देखने के लिए बेताब हूँ, उनकी एक्टिंग ने आग लगा दी। वहीं दूसरी ओर एक यूजर ने अक्षय खन्ना को फिल्म में कास्ट करने के लिए मेकर्स का शुक्रिया अदा किया। यूजर ने लिखा कि शुक्रिया, आपने अक्षय खन्ना को कास्ट किया। दोस्तों, आगे आपको बताते चलें कि अक्षय खन्ना की तारीफ में फैंस यही नहीं रुके। जी हाँ, उन्होंने अक्षय की एक्टिंग को आग बताते हुए लिखा कि तब्बू और अक्षय की एक्टिंग आग थी। दोस्तों, एक यूजर ने अक्षय खन्ना की मौजूदगी की तारीफ करते हुए लिखा कि अक्षय खन्ना ने आमना सामना के इस खेल में 4 चांद लगा दिया है, मजा आने वाला है। वहीं दूसरे यूजर ने कास्टिंग की तारीफ करते हुए लिखा कि अक्षय खन्ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्या कास्टिंग है और क्या जबरदस्त एक्टर है ये। दोस्तों, आपको बता दें जानकारी के लिए कि अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 इसी साल 18 नवंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म में अजय देवगन विजय सालगांवकर की भूमिका में दिखाई देंगे, वहीं तब्बू मूवी में मीरा देशमुख की भूमिका अदा करेंगी। किस अंदाज में होगा इन्वेस्टिगेशन। हेलो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर एंड बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है दृश्यम 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए चलिए ऑडियंस, तैयार हो जाइए मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए, नहीं नहीं सुलझाते हुए देखने के लिए। हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड मूवी दृश्यम 2 की। जी हाँ, ये वही मूवी है जिसका पहला पार्ट आपने 2015 में देखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह विजय, जिसका किरदार निभाया है अजय देवगन ने, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। अपनी बड़ी बेटी अंजू, जो कि अश्लील वीडियो का शिकार बनी है, उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है।
अब इस मूवी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पैनोरामा म्यूजिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर मूवी के टाइटल ट्रैक टीजर को रिलीज किया है और इस टीजर को देखते वक्त आपको समझ आएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन काफी हटके और इंटरेस्टिंग होने वाला है और विजय के लिए उतना ही मुश्किल बढ़ाने वाला। इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि अजय खन्ना जो एक स्पेशल ऑफिसर बन के इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वही विजय यानी अजय और उसकी फैमिली काफी परेशान है। बीच में हम इंस्पेक्टर मीरा देशमुख यानी तब्बू की झलक देख सकते हैं जो अभी भी इस केस का और मूवी का हिस्सा है, क्योंकि पहले पार्ट में तो मीरा देशमुख के बेटे ने ही विजय की बेटी अंजू यानी इशिता दत्ता का अश्लील वीडियो बनाया था, पर तब भी वो कातिल को पकड़ नहीं पाई। मतलब विजय को पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना खुराफाती दिमाग फिर से चलाना पड़ेगा। पर अब वही अक्षय खन्ना पूरी तरह से तैयार है इस केस को सुलझाने और कातिल को पकड़ने के लिए। ये टाइटल ट्रैक कंपोज किया है रॉक स्टार देवी श्री प्रसाद ने, इसके शब्द लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और अपनी आवाज दी है उषा एंड विजय प्रकाश ने, और ये टाइटल ट्रैक रिलीज किया जाएगा 9 नवंबर को। इस टीजर को शेयर करते हुए पैनोरामा म्यूजिक ने लिखा है साल गांवकर के बयान और पुलिस की छानबीन इस बार सभी दृश्य रोमांचक होंगे। मतलब ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक पाठक, वहीं भूषण कुमार बने हैं मूवी के प्रोड्यूसर और ये मूवी आपको देखने को मिलेगी 18 नवंबर 2022 को। ट्विस्ट के साथ रिलीज किया जाएगा दृश्यम 2 का टाइटल ट्रैक। क्या ऑडियंस को पसंद आया मूवी का टाइटल ट्रैक? हेलो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर एंड बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है दृश्यम 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिन ब दिन एक्साइटमेंट बढ़ाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। हम बात कर रहे हैं दृश्यम 2 फिल्म के मेकर्स की, जिन्होंने ठान लिया है कि वो ऑडियंस को इम्प्रेस करके 18 नवंबर को सारे थिएटर्स हाउसफुल करवाएंगे। वैसे मूवी से जुड़ी एक अपडेट सामने आई है और वो जुड़ी है मूवी की टाइटल ट्रैक से। एक दिन पहले यानी 8 नवंबर को मूवी का टाइटल ट्रैक टीजर रिलीज किया गया था और अभी मूवी का टाइटल ट्रैक रिलीज किया गया है। पैनोरामा स्टूडियोज ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह खुशखबरी दी है। इस टाइटल ट्रैक की एक झलक दिखाते वक्त उन्होंने एक जोरदार कैप्शन दिया है। पहले तो हम आपको बताते हैं कि इस क्लिप में क्या दिखाया गया है। क्लिप की शुरुआत में ही विजय का किरदार निभाने वाले अजय देवगन कहते हैं, मैं विजय सालगांवकर और ये मेरा कन्फेशन। फिर हम देखते हैं कि इस मूवी में एंट्री लेने वाले स्पेशल ऑफिसर अक्षय खन्ना गार्डन की छानबीन कर रहे होते हैं, तो दूसरी ओर विजय की फैमिली काफी परेशान है। अक्षय फैमिली से पूछताछ करते वक्त कहता है कि आपका गार्डन बहुत ही अच्छा है। फिर हमें तब्बू की झलक भी दिखाई देती है जो अभी भी इस मूवी का और केस का हिस्सा है, क्योंकि पहले पार्ट में हमने देखा है कि तब्बू यानी इंस्पेक्टर मीरा देशमुख के बेटे ने ही विजय की बेटी अंजू का अश्लील वीडियो बनाया था और उसी चक्कर में अंजू ने अनजाने में मीरा के बेटे को मार डाला था। अब क्लिप के साथ कैप्शन में लिखा है कि पुलिस को मिले बयान और सबूत सालगांवकर की मुश्किलें बढ़ाएंगे या फिर से उन्हें नी अपराध साबित करेंगे। वैसे इस टाइटल ट्रैक से ऑडियंस इंप्रेस हो चुकी है और उन्हें मूवी देखने की काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि मेकर्स एक्साइटमेंट बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक पाठक, तो वहीं भूषण कुमार बने हैं मूवी के प्रोड्यूसर। तो अभी आप भी तैयार हो जाइए ये जबरदस्त और एक्साइटिंग खेल देखने के लिए, जो खेला जाएगा 18 नवंबर 2022 को आपके नजदीकी थिएटर्स में। आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें, बाय बाय। कहानी में आया ट्विस्ट, क्या अभी भी विजय सालगोंकर के पीछे पड़ी है पुलिस? कहानी में किसकी हुई नई एंट्री? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। इस कहानी की शुरुआत 7 साल के लीप के साथ होती है। अपने बेटे की मौत के बाद इंस्पेक्टर मीरा यानी कि तब्बू अपना ट्रांसफर गोवा से दिल्ली में करा लेती है। उसके घर पर सत्यनारायण की कथा चल रही थी कि तभी उन्हें गोवा पुलिस के नए इंचार्ज शेखावत यानी कि अक्षय खन्ना का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि हमने सुना था कि औरत के कई रूप होते हैं और आजकल तो वर्किंग वुमेन वाला नया रूप भी ऐड हो गया है। कुछ सालों पहले एक माँ ने हार मान ली थी, लेकिन उसी माँ के शरीर में एक पुलिस ऑफिसर भी थी, वो भी हार मान गई। मुझे तो इस बात से बहुत हैरानी हुई। गुड मॉर्निंग मिसेज मीरा देशमुख।
मैं गोवा पुलिस का इंचार्ज शेखावत बोल रहा हूँ। आप अगर इस वक्त गोवा आएंगी तो पूरी जिंदगी शांति से विदा पाएंगी। इतना कहते ही शेखावत फोन कट कर देता है और मीरा अपने पति महेश यानी कि रजत कपूर के साथ गोवा के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर गोवा में ईमानदार व्यापारी विजय सालगोंकर यानी कि अजय देवगन अपनी पत्नी नंदिनी यानी कि श्रिया शरण और दोनों बेटियां अंजू यानी कि इशिता दत्ता और अनु के साथ शांति की जिंदगी जी रहा था कि तभी एक दिन उसकी पत्नी नंदिनी विजय से कहती है कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि एक पुलिस वाला रोज दोपहर में आता है और बाहर से ही हमारे बगीचे को ध्यान से देखता है। कौन हो सकता है वो और आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? तब विजय उससे कहता है कि सड़क पर चलते हर इंसान की आंखें तो बंद नहीं कर सकता हूँ ना मैं, जो देख रहा है देखने दो, जब तक घर के बाहर है ठीक है, अंदर आएगा तो मैं हूँ ना। नंदिनी मुस्कुराती है और किचन में चली जाती है, लेकिन विजय जान जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इधर जैसे ही मीरा गोवा पहुंचती है वो अपने ही पुलिस स्टेशन जाती है और शेखावत से मिलती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो शेखावत से कहती है कि आखिर ये क्या तरीका था मुझे यहाँ बुलाने का, वो केस 7 साल पहले ही बंद हो चुका है, तो किसकी परमिशन से तुम उस केस को रीओपन कर रहे हो, क्यों मेरे जख्मों को कुरेदने पर तुले हुए हो? जिसके बाद शेखावत कहता है कि मैंने तो यहाँ इंस्पेक्टर मीरा को बुलाया था, समीर की माँ मीरा यहाँ आ जाएगी ये मुझे पता नहीं था। खैर आप बैठिए आराम से, आपको सब बताऊंगा मैं। मीरा बैठती है और पानी पीती है। तब शेखावत उससे कहता है कि सैम मर्डर केस कभी बंद नहीं हुआ था, इसे आप छोड़ कर गई थी और आपके जाने के बाद एक ऑफिसर आया और तब तक के लिए ये केस फाइलों में दबता हुआ चला गया, बट 6 महीने पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे इस केस के बारे में पता चला और मैंने इस पर स्टडी करना शुरू किया, जिसमें बहुत सारे ऐसे सवाल मिले जिनके जवाब लिए बिना आप भाग गई, क्योंकि आपके अंदर की माँ अपने अंदर की पुलिस के सामने आ गई थी। पर मिसेज मीरा मैं ये नहीं भूल सकता कि समीर आपका बेटा होने के साथ साथ इस देश का नागरिक भी था और उसका मर्डर अभी भी एक मिस्ट्री ही बना हुआ है जिसे सुलझाने के लिए मैं आया हूँ। दूसरी ओर विजय नानकू काका की दुकान में चाय पीने आता है तो वो मीरा और उसके पति को पुलिस स्टेशन से निकलते हुए देखता है और तब उसे यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये सभी घटनाएं आपस में जुड़ती हैं और इनका सीधा कनेक्शन समीर के मर्डर से है। तभी उसे नंदिनी का कॉल आता है और नंदिनी उससे कहती है कि कुछ पुलिस वाले आए थे और वो आपके बारे में पूछ रहे थे। जिसके बाद विजय घर जाता है और सभी को बैठाता है। वो उनसे कहता है कि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। 7 साल पहले जो हमारी जिंदगी में हादसा हुआ था वो वापस लौट के आया है। मैंने आज पुलिस स्टेशन में मीरा को देखा था, लेकिन हमें आज भी वही करना है जो हमने 7 साल पहले किया था। हमें डरना नहीं है, उनके पास हमारे खिलाफ ना तब कोई सबूत था ना कोई अब है, वो सिर्फ गैस वर्क पर काम कर रहे हैं। हमारा बस एक दुश्मन है और वो है हमारा डर। इसीलिए मैं चाहे पुलिस स्टेशन जाऊं या जेल में, हमें डरना नहीं है। तभी घर की घंटी बजती है तो आखिर दरवाजे पर कौन होगा और अब अपने परिवार को कैसे बचाएगा विजय? जानने के लिए देखते रहिए हमारी अगली वीडियो को और तब तक आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको दृश्यम कैसी लगी थी। दृश्यम के प्रोड्यूसर बने डायरेक्टर, किस तरह दृश्यम के प्रोड्यूसर को बनना पड़ा सीक्वल का डायरेक्टर, कौन है प्रोड्यूसर अभिषेक पाठक। 2015 में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम ने ऑडियंस को काफी हद तक एंटरटेन करने की कोशिश की। देखा जाए तो फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मर्डर मिस्ट्री वाला मामला ऑडियंस को काफी एंगेज रखता है। वैसे अब फिल्म का दूसरा पार्ट भी आ रहा है जिसमें उसी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जाएगा जो अभी तक खूनी को पकड़ नहीं पाई। फिर से तब्बू यानी इंस्पेक्टर मीरा देशमुख अजय के पीछे हाथ धोकर पड़ेंगी और फिर अजय अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में अजीबोगरीब साजिशें करेंगे। वैसे फिल्म के पहले पार्ट को लेकर ऑडियंस का कहना है कि डायरेक्टर ने इस फिल्म को एक काफी इंटरेस्टिंग एंगल देने की कोशिश की। बीच बीच में ये मामला काफी खींचने की कोशिश की गई, पर इस फिल्म में विक्टिम यानी अजय की बेटी के साथ जो हादसा हुआ वो सोसाइटी में कई बार होता है और खूनी बच के निकल जाता है, जिससे ऑडियंस को थोड़ा अवेयर किया गया। पर इस वक्त में अजय अपनी बेटी के साथ खड़े रहे और प्रोटेक्टिव फैमिली मैन बने और जो ऑडियंस को काफी भा गया। वैसे इस फिल्म को डायरेक्ट किया था निशिकांत कामते ने, जो हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर है। पर अब इस फिल्म की जिम्मेदारी अभिषेक पाठक पर आ चुकी है। अब आप सोचेंगे कि डायरेक्टर बदलने के पीछे क्या वजह होगी। उससे पहले आपको ये बता दे कि अभिषेक दृश्यम फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं और दृश्यम 2 के भी प्रोड्यूसर हैं, पर अब वो ये फिल्म डायरेक्ट भी करने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि निशिकांत कामत अब इस दुनिया में नहीं रहे,
लिवर डिजीज की वजह से 50 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई, जिसके कारण अजय देवगन को भी एक झटका लगा। अब ये निशिकांत कामत कौन है, उन्होंने क्या काम किया है, ये तो हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे, पर अभी के लिए इतना ही जरूरी है कि निशिकांत की मौत की वजह से अभिषेक को ये जिम्मा उठाना पड़ा है। अभी आपको बता दें कि अभिषेक पाठक एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। 17 साल की उम्र में उन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा। 3 साल इंडिया में काम करने के बाद वो यूएसए चले गए और वहाँ पर उन्होंने बूंद नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसके लिए उनकी फिल्म को 57th नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने डेब्यू किया फिल्म प्यार का पंचनामा से, जिसमें कार्तिक आर्यन और नुसरत बरूचा नजर आए थे, जो एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इसी के साथ अभिषेक ओमकारा, रेड, खुदा हाफिज, उजड़ा चमन जैसे कई प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ चुके हैं। वैसे अभी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें अभिषेक अजय को सीन समझा रहे हैं और अजय भी काफी ध्यान से सुन रहे हैं। वैसे प्रोड्यूसर होने के टाइम उनका अजय के साथ कोई ज्यादा संबंध नहीं आया होगा, पर अब एक अलग बॉन्ड क्रिएट करने की उन्हें जरूरत है, तभी तो अजय उनका विजन समझ पाएंगे और दृश्यम 2 को उसका फायदा होगा। वैसे फिल्म इसी साल 18 नवंबर को रिलीज होने वाली है, तो बस अब ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होते हुए देखनी है और उसके लिए हमें थिएटर जाना है। कैसा है दृश्यम 2 का पहला गाना, किसका दमदार म्यूजिक पसंद आया ऑडियंस को? हेलो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर एंड बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है दृश्यम 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन अभी भी फिल्मों में अपना जलवा दिखाते हुए सबकी छुट्टियां कर रहे हैं। हाँ, वैसे उनकी मूवी थैंक गॉड जो अभी अभी रिलीज हुई है, वो ऑडियंस को एंटरटेन करने में कोई खास कमाल तो नहीं कर पाई और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, पर अभी भी अजय के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे वो ऑडियंस का दिल जीत सकते हैं, और उसमें उनकी आने वाली मूवी दृश्यम 2 भी शामिल है। जी हाँ, 2015 में रिलीज हुई मूवी दृश्यम का सीक्वल आ रहा है, जिसमें हमें फिर से एक बार अजय देवगन, तब्बू, श्रिया शरण, निशिता दत्त और अभी एक और नाम सुनने में आ रहा है, और वो है अक्षय खन्ना। ये सब दिखाई देने वाले हैं। वैसे स्पेंडिंग मर्डर मिस्ट्री केस को रीओपन किया जा रहा है और उससे सॉल्व करने के लिए और खूनी को सजा दिलवाने के लिए अक्षय की एंट्री हो रही है। वो एक दमदार ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे और कातिल को जाल में फंसाएंगे। पहले पार्ट में तो हमने देखा कि विजय यानी कि अजय की बेटी अंजू यानी इशिता दत्ता अनजाने में खून करती है, पर उसे छुपाने के लिए पुलिस को गुमराह करने के लिए अजय अपना खुराफाती दिमाग इस्तेमाल करता है। वैसे ये तो हो गई कहानी की बात, पर अभी खुशखबरी ये है कि इस मूवी का पहला गाना रिवील हो चुका है, जिसके बोल है साथ हम रहें। हाँ, 2 दिन पहले इस मूवी के एक गाने का टीजर देखने को मिला था, पर अब इस छोटी सी झलक के बाद आप ये गाना देख सकते हैं। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है जुबिन नौटियाल ने और गाने के शब्द लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, और इस गाने को म्यूजिक दिया है रॉक स्टार DSP यानी देवी श्री प्रसाद ने। अब पुष्पा मूवी का सामी सामी गाना सुनने के बाद आपके पैर थिरकने लगते हैं। ये भी इन्हीं का गाना है, इन्होंने ही कंपोज किया था ये गाना। अब इस गाने की बात करते हैं। वैसे तो हमें पता ही है कि ये फैमिली ड्रामा है और इसमें विजय का किरदार निभाने वाले हैं अजय। अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, फैमिली पर आंच आ जाए तो ये बंदा सारी मुश्किलें खुद पर ले लेता है। इस गाने में हम देख सकते हैं कि कुछ फैमिली मोमेंट्स दिखाई दिए गए हैं। यहाँ पर विजय और उसकी फैमिली बीच पर घूमने जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वहीं दूसरी ओर विजय की छोटी बेटी का जन्मदिन होता है, फिर केक काटने से लेकर पार्टी मनाने तक, फोटो खींचने तक सारे स्वीट मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विजय के लिए उसकी फैमिली ही उसकी दुनिया है। आप भी इस फैमिली ड्रामा को एंजॉय करने के लिए अभी तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मूवी 18 नवंबर 2022 को रिलीज होने वाली है, तो काफ़ी कम टाइम बचा है। वैसे आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें, बाय बाय। खूनी अजय से सच उगलवाएगा, क्या अजय फंसेंगे पुलिस के ट्रैप में? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, 2015 की दृश्यम देखने के बाद कई लोगों को यही लग रहा था कि ये केस अगर CID को दे देते तो 1 घंटे में खूनी मिल जाता और फिर दया उसकी खूब पिटाई करता। खैर, ये तो मजाक की बात है, पर अभी इस फिल्म का दूसरा पार्ट आने वाला है और आप कहानी जानने के लिए बेताब ही हो रहे होंगे।
तो हमने सोचा कि आज आपसे पार्ट टू की कहानी डिस्कस की जाए। तो अब कहानी में आएगा 6 से 7 साल का लीक, पर अभी तक विजय सालगांवकर यानी अजय और उसके परिवार के बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता चला है। बात करें इंस्पेक्टर मीरा यानी तब्बू की, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अभी तक अपने खुद के बेटे के केस सॉल्व नहीं कर पाई थी और उनकी जगह पोस्टिंग होती है अक्षय खन्ना की। दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय खन्ना अपनी ड्यूटी को लेकर काफी सीरियस होते हैं। जब मीरा पुलिस स्टेशन से सस्पेंड होकर निकलती ही है, उसी वक्त अक्षय की एंट्री होती है और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और तब्बू वहां से निकल जाती है। पर अभी तक तब्बू सदमे में होती है कि उसके बेटे का खूनी कैसे पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन में आती है और उसी वक्त देखती है कि अक्षय जेल से छूटे खूनी से बात कर रहे हैं। ये देखकर तब्बू शॉक होती है, उसे समझ नहीं आता कि एक खूनी से अक्षय ऐसी कौन सी सीरियस बात कर रहे हैं। तब तब्बू अक्षय से पूछती है कि आप उस खूनी से क्या बात कर रहे थे, मैंने तो सुना है कि आप काफी वफादार पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पर आप तो मुजरिमों से बातें कर रहे हैं। तब अक्षय उसे कहते हैं कि मैडम अभी आप ही ने कहा कि वो मुजरिम था और उससे मैं क्या बात कर रहा हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर केस का हालचाल पूछकर तब्बू वहां से निकलती है। फिर कुछ ही दिनों बाद एक रोती हुई औरत विजय के घर आती है और कहती है कि मुझे सहारा दे दीजिए, मेरा पति मुझे मार देगा। फिर विजय उसे शांत करके पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, तो वो कहती है कि वो अभी अभी जेल से छूट कर आया है और एक खून के आरोप में उसे सजा भी मिल चुकी है, उसके शरीर पर गहरे निशान होते हैं। फिर वही खूनी पति वहां पर आकर अपनी पत्नी को ले जाने की कोशिश करता है। विजय उसे रोकता है और कहता है कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। विजय उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, वहां पर वो अक्षय खन्ना से उसकी कंप्लेन करता है। अक्षय उसे जेल में बंद करवाता है और विजय के चले जाने के बाद उसे छोड़ भी देता है। दोस्तों यहाँ पर अजय को लगता है कि वो खूनी जेल में ही है, पर एक दिन रास्ते से जाते हुए विजय देखता है कि अक्षय और वो खूनी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अक्षय उसे इशारों ही इशारों में कुछ समझा रहे हैं। ये देखकर विजय को शक होता है कि कहीं कोई उसे फंसाने की साजिश तो नहीं हो रही है, इतनी जल्दी इस खूनी को इस इंस्पेक्टर ने कैसे छोड़ दिया। विजय वहां पर खड़ा रहता है और उसी वक्त अक्षय उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि विजय को शक हो चुका है। फिर वो एक नया प्लान बनाता है, उस खूनी को काम पर लगा देता है। दोस्तों ये सारी बातें विजय अपनी पत्नी नंदिनी को बताता है और पूछता है कि क्या वो औरत यहाँ फिर से आई थी। नंदिनी कहती है कि नहीं वो तो चली गई, पर थोड़ी ही देर में वो औरत रोते रोते वहां पर आती है और कहती है प्लीज मुझे बचा लो वरना ये इंसान मुझे मार देगा। हालांकि इस बार उसके शरीर पर निशान नहीं होते हैं मार पिटाई के, उसके पीछे उसका पति आता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है, पर वो औरत विजय को भाई बनाकर कुछ देर उसे रहने देने की रिक्वेस्ट करती है। फिर वो औरत वहीं पर रहने लगती है, नंदिनी उसकी देखभाल करती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। दोस्तों आपको बताते चले कि एक दिन हम ये देखते हैं कि विजय की बड़ी बेटी अंजू अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई है। वो बार बार कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर नंदिनी और उसकी छोटी बेटी उसे समझाते हैं, तुमने कुछ नहीं किया बेटा, वो लड़का था ही उस लायक। और तभी वहां पर नंदिनी को किसी की परछाई दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि फिर वो औरत नंदिनी की छोटी बेटी जो कॉलेज जाती है उससे बात करने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पापा काफी अच्छे हैं, उन्होंने मुझे मेरे खूनी पति से बचाया, पर बेटा तुम अपने पापा से कहना कि मेरे पति से बच के रहे, वो किसी को भी मार सकता है। ये सुनकर वो डर जाती है और कहती है कि मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है और वो भाग जाती है। दोस्तों आपको इस क्रम में बताते चले कि एक दिन नंदिनी अंजू को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक से वापस आती है, तब ये औरत वहां पर मौजूद होती है। बाद में नंदिनी से पूछती है कि क्या हुआ है इसे, नंदिनी कहती है कि कुछ नहीं, बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ था, बाकी कुछ नहीं। फिर काम पर जाते वक्त दूसरे दिन भी वो देखती है कि वो खूनी शख्स एक दरगाह के बाहर ताबीज खरीद रहा होता है। इसको देख करके वो हैरान रह जाती है और जल्दी से जाने की बात करती है। फिर उसी दिन जब नंदिनी अंजू की देखभाल कर रही होती है तो वहां पर ये औरत आती है और नंदिनी को एक ताबीज देते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, पर आपकी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं ये ताबीज लेकर आई हूँ, इस ताबीज को उसके हाथ पैर में बांध दीजिए, वो ठीक हो जाएगी।
दोस्तों नंदिनी पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, पर वो जिस तरह से उसको कन्विंस करती है, नंदिनी उसकी बात मान लेती है और अंजू को ठीक होता हुआ देखने के लिए वो उसके हाथ पर ताबीज बांध भी देती है। तो ये थी अब तक की स्टोरी। चलिए आप बता दीजिए फटाफट से कि आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मीर की मदर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, इशिता कहाँ जाने वाली है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फिल्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि अजय फिल्म में विजय का रोल निभाते नजर आने वाले हैं। फिल्म में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि समीर की मदर ने विजय और उसकी फैमिली से बदला लेने के लिए और सच्चाई जानने के लिए उन्होंने विजय के घर के पड़ोसी के रूप में दो अंडरकवर एजेंट्स को वहां रहकर सच्चाई जानने को कहा है, जिसमें वो कामयाब तो हुए थे लेकिन कोर्ट में ज्यादा सबूत ना होने के कारण विजय और उसकी फैमिली को छोड़ दिया जाता है। इतना होने के बाद भी समीर की मदर उसे छोड़ना नहीं चाह रही थी, वो विजय से अपने बेटे का डेथ का बदला लेना चाहती थी जिसके लिए वो किसी भी कीमत चुकाने को राजी थी। सच जानने के लिए उसने विजय की बड़ी बेटी इशिता को किडनैप करवा देती है। वो जानती है कि इन सब के कारण उसके मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और वो इसी चीज का फायदा उठाना चाहती थी। साथ ही उसने विजय के घर पर एक नोट भी भिजवाया था, उसमें लिखा था कि अगर अपनी बेटी को देखना चाहते हो तो पुलिस स्टेशन जाओ और वहां पर यह कबूल करो कि समीर को तुम लोगों ने ही मिलकर मारा है और उससे जुड़ी हर बात बता दो, वरना तुमने जो समीर के साथ किया था उससे भी बुरा तुम्हारी बेटी के साथ हो सकता है। यह सब सुनने के बाद विजय की वाइफ रोने लग गई, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो विजय से रिक्वेस्ट करने लगी कि चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन विजय कहता है कि रुको सोचने दो। कुछ देर शांत रहने के बाद विजय कहता है कि तुम लोग जाओ और वहां जाकर कहना कि इशिता को किसी ने किडनैप कर लिया है, जिसके बाद विजय अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। बहुत प्रयासों के बाद उसे वह जगह मिल जाता है जहां उसकी बेटी को रखा गया था, जिसके बाद वो उसे वहां से बचा कर लाता है। वहीं इसके बाद उसने अपनी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है क्योंकि वह पूरी तरह से डर गई थी। वहीं इन सब के बीच विजय की वाइफ पुलिस स्टेशन से आ चुकी थी, जिसके बाद विजय उसे कॉल करके सारी बात बताता है, जिसके बाद वो भी हॉस्पिटल आ जाती है। उसकी बेटी को एक दिन बाद डिस्चार्ज तो मिल जाता है लेकिन वो बहुत ज्यादा डरने लगी थी, जिसके कारण उसके पेरेंट्स को पूरे दिन उसके पास ही रहना पड़ता था। विजय अपनी फैमिली को संभाल रहा था, वहीं समीर की मदर एक नई तरकीब खोज रही थी कि वो विजय और उसकी फैमिली को और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सके, और उसके लिए उसने एक रास्ता भी निकाल लिया था, जिसके लिए उसने उसके घर के बिजली और पानी कटवा दी, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। जिसके बाद विजय पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने जाता है कि उसके साथ यह सब किया जा रहा है, वहां से उसे धक्के मार के भगा दिया जाता है, जिसके बाद विजय को गुस्सा आता है और वो प्रेस को बुला लेता है और उसे सारी चीजें दिखाता है, जिसके बाद ऊपर से ऑर्डर आता है कि विजय के घर के लाइट्स और पानी वापस आ जाती है, जिसके बाद विजय और उसकी वाइफ को थोड़ा तो चैन मिल जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी समीर की मदर हार मानने को तैयार नहीं थी और वो अब लाइफ में किसी भी हद तक जा सकती थी, इसलिए उन्होंने विजय को ही किडनैप करवा लिया क्योंकि एक वही था जो उन सबको प्रोटेक्ट कर रहा था। जब विजय घर नहीं पहुंचा तो उसकी फैमिली परेशान हो गई और तभी समीर की मदर उसके घर जाती है और उसे कहती है कि अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो ये कबूल करो कि समीर को तुम लोगों ने ही मारा है, और जिसके बाद विजय की वाइफ कबूल कर लेती है और अगली सुबह वो ये बात कोर्ट में भी बोल देती है कि उन्होंने ही समीर की जान ली थी। लेकिन विजय अभी तक समीर की मदर के पास ही था, वो वहां से भाग गया, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को जेल हो गई है, जिसके बाद वो सीधे कोर्ट में जाता है और जज के सामने सब कुछ बोल देता है, जिसके बाद तुरंत से सभी को कोर्ट में बुलाया जाता है और कोर्ट अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि विजय को किडनैप करवाया गया था और इसे हथियार बनाकर समीर की मदर ने यह काम किया है, जिसके कारण जज ने समीर की मदर से उनका पोजीशन से हटा दिया और साथ ही उन्हें जेल भी हुई, जिसके बाद आज विजय अपनी फैमिली के साथ शांति से रह रहा था। समीर की मदर अपने सीनियर की बात मान लेती है तो वो अपनी लाइफ में खुशी से जी सकती थी, साथ ही उसे जेल भी नहीं जाना पड़ता,
लेकिन अपना रिवेंज में वो खो गई थी, जिसके वजह से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं अगर हम फिल्म दृश्यम 2 की फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो फिल्म दृश्यम 2015 में आई हिंदी लैंग्वेज एक थ्रिलर फिल्म पे बेस्ड थी। अब देखना ये है कि आखिर दृश्यम 2 कितना कमाल और धमाल मचाती है। आपको क्या लगता है, दृश्यम 2 हिट ब्लॉकबस्टर साबित होगी या नहीं? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। क्या है फिल्म दृश्यम 2 के गाने का टीजर? किसकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया फिल्म का गाना? जानेंगे फ्रेंड्स अपनी आज के इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। देखिए, चलिए फिल्म थैंक गॉड के बाद ना अब सुपरस्टार अजय देवगन की अगली फिल्म के लिए हमें ना एकदम तैयार रहना चाहिए। वैसे तो इस फिल्म से आप अच्छी तरीके से वाकिफ है, क्योंकि ये फिल्म का दूसरा पार्ट होने वाला है और इस फिल्म का नाम है दृश्यम 2। जी हाँ, दृश्यम फिल्म जो साल 2015 में रिलीज हुई, जिसमें हमें अजय देवगन, श्रेया सरन, तबू, इशिता दत्ता जैसे कई स्टार्स देखने को मिले। अब फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो इसमें ना हमें अजय यानी विजय सरगांवकर की बड़ी बेटी अंजू, जिसका किरदार निभाया है इशिता ने, उसका अश्लील वीडियो बनाने वाले तबू के बेटे सैम का मर्डर होता है, और ना वो भी विजय की बेटी के हाथों ही होता है। पर अपनी बेटी को बचाने के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है और पुलिस को गुमराह कर सकता है, ये कहानी ऑडियंस को एंटरटेन करने में कामयाब रही थी। अब फिल्म का दूसरा पार्ट आने वाला है, जिसमें यही कास्ट दिखाई देगी, पर एक और स्टार ना इसमें जुड़ने वाला है, जिसका नाम है अक्षय खन्ना, जो एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में खूनी को एकदम चेकमेट करते हुए नजर आएंगे। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई सुनी सुनाई बातें, लेकिन अब की लेटेस्ट खबर ये है कि फिल्म का एक सॉन्ग टीजर हमें देखने को मिला है। गाने के बोल है साथ हम रहे, एक छोटी सी झलक हमें देखने को मिली है। इस गाने के शब्द लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और इसे अपनी सुरीली सी आवाज दी है सिंगर जुबिन नौटियाल ने, जिनकी आवाज का जादू तो हर किसी को दीवाना बना ही देता है, ये बात तो आप भी मानेंगे। वैसे गाने को म्यूजिक दिया है रॉकस्टार डीएसपी यानी देवी श्री प्रसाद ने। पनोरमा म्यूजिक ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये टीजर रिलीज किया है। वैसे इस टीजर में आप देख सकते हैं कि अजय यानी कि विजय सरगांवकर की पूरी फैमिली ना एक साथ बाहर घूम रही है, एंजॉय भी कर रही है, कुछ फैमिली मोमेंट्स शेयर कर रही है और एक काफी गहरा बॉन्ड दिखाई दे रहा है इस गाने में। सबके चेहरे पर खुशियां जो दिखाई दे रही है भाई। इस गाने पर ऑडियंस का रिएक्शन आया है और काफी लोग कह रहे हैं कि वो फिल्म का ना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अरिजीत सिंह की आवाज अगर सुनने को मिल जाती तो और अच्छा हो जाता। अब पता नहीं अरिजीत सिंह का कोई गाना होगा या नहीं फिल्म में। वैसे इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक पाठक और वो इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। फिल्म के रिलीज के बारे में बात करें तो फिल्म 18 नवंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। तो दोस्तों अभी तैयार हो जाइए इस मच अवेटेड फिल्म को एंजॉय करने के लिए और इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझते हुए देखने के लिए भाई, जिसे सॉल्व करने वाले अक्षय खन्ना और अब तो अजय और अक्षय होंगे आमने सामने। खैर जो होगा वो तो पता चल ही जाएगा फिल्म देखने के बाद, लेकिन तब तक ना आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों, लेती हूं आप सभी से इजाजत, मिलूंगी आपको और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ भाई। नमस्कार। जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जीडी लाइफ टाइम सेटलमेंट है। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं। क्या है आईजी मीरा का प्लान? क्या पता चला विजय को? किससे मिलने वाली है अंजू? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे 5 सालों के बाद सब कुछ बदल गया है। विजय का परिवार जो खुशहाल रहता था वो अब शांत हो गया है। अंजू पीटीएसडी और डिप्रेशन से लड़ रही है और तभी उन्हें पता चलता है कि आईजी मीरा देशमुख वापस आ रही है और उसके बाद विजय को पता चलता है कि उस पुलिस स्टेशन का रिनोवेशन हो रहा है और साथ ही मीरा देशमुख भी विजय से कन्फेशन कराने के इरादे में वहां आई है। अंजू अपने कॉलेज से घर लौटती है तभी देखती है कि उनके पास वाले घर में कोई नए लोग रहने वाले आए हैं और फिर वो अंदर चली जाती है। उसे देख नंदिनी उससे पूछती है कि उसका दिन कैसा था। उसके जवाब में अंजू कहती है कि ठीक ही था। तब नंदिनी उसे उदास देख परेशान होकर उससे कहती है, अंजू आजकल तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, परेशान लग रही है,
क्या तुम्हें वो बुरे सपने फिर से आने लगे हैं क्या? तब अंजू उससे कहती है, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, आज मैं थोड़ा थक गई हूँ, इसीलिए आपको ऐसा लगता है, ट्रस्ट मी आई एम फाइन। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन नंदिनी उसकी बात से कन्विंस नहीं होती है और वो उसे खुश करने के लिए उसका फेवरेट खाना बनाने में लग जाती है। तभी उसकी छोटी बेटी अनु स्कूल से आती है और कहती है, माँ ये देखो हमारी स्कूल से एक कैंप जा रहा है, क्या मैं अपना नाम लिखवा लूँ? इससे पहले ही नंदिनी कुछ कहती अनु अपने कमरे से आती है और चिल्लाते हुए कहती है, नहीं तुम नहीं जाओगी किसी भी कैंप में, और फिर अपना बैग लेकर अपने क्लासेस के लिए चली जाती है। नंदिनी और अंजू उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती है और फिर नंदिनी अनु से कहती है, तुम अंजू की बात का बुरा मत मानना, तुम जानती हो ना? हाँ माँ मैं जानती हूँ, मुझे ही कैंप वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी, और फिर नंदिनी उसे गले लगा लेती है। वहाँ दूसरी तरफ मीरा अपने घर के स्टडी रूम में बैठी होती है और समीर के केस फाइल की स्टडी कर रही होती है, और तभी उसे एक कॉल आता है और उसके बाद वो फाइल रखती है और कहीं जाने लगती है। तब उससे महेश पूछता है, कहाँ जा रही हो, अभी तो तुम्हें ओपनिंग सेरेमनी में जाना है ना? तब मीरा उससे कहती है, उससे पहले मुझे एक काम निपटाना है, तुम चिंता मत करो मैं जल्द ही आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है और महेश को उसकी टेंशन होने लगती है। उसके बाद मीरा एक सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी को रोकती है और तभी वहां एक आदमी आता है जो उसे एक पार्सल देता है और मीरा उससे पूछती है, इसमें वो सब है ना जो मैंने कहा था? तब वो आदमी कहता है, हाँ इसमें विजय सालगवांकर और उसके परिवार की हर छोटी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, 5 साल पहले की भी और अभी की भी। फिर मीरा उसे पैसे देती है और वहाँ से चली जाती है और हेडक्वार्टर की ओपनिंग सेरेमनी में जाती है। वहाँ विजय अपनी शॉप पर बैठा इतनी गहरी सोच में डूबा था कि एक आदमी उसे बुला रहा होता है लेकिन फिर भी उसका ध्यान नहीं होता, और फिर वो उसे साहब साहब कहकर हिलाती है। तब वो अपने आलों से बाहर निकलता है और उससे बात करता है। उसके बाद विजय अपने आप से ही कहता है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, 5 साल पहले जो हुआ उसका कोई प्रूफ नहीं है, और रही बात पुलिस स्टेशन के रिनोवेशन की, तो उसे रिनोवेट किया जा रहा है, तोड़ा नहीं। विजय ये सब सोच ही रहा होता है कि तब एक ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आता है जिससे उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो कहता है, कहीं मीरा देशमुख मेरे परिवार को तो। ऐसा ख्याल आते ही वो जल्दी घर जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ अंजू अपने क्लास से घर लौट रही होती है कि तभी कोई पीछे से आता है और उसे कुछ सुंघाता है, और जैसे ही वो बेहोश होती है वो उसे एक वैन में बैठा कर वहाँ से ले चले जाता है। किसने किया अंजू को किडनैप? क्या विजय बचा पाएगा अंजू को? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीग्राफ स्टूडियोज पे। जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जेडी है। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं। क्यों हुआ विजय सालगांवकर गिरफ्तार? क्या है आईजी मीरा की चाल? क्या अंजू है मुसीबत में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अजय देवगन की दृश्यम एक ऐसी क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसने पूरी फिल्म के दौरान हमारा इंटरेस्ट बनाए रखा था और हम पूरी फिल्म में ये गैस ही करते रहे थे कि अब इसके आगे क्या होने वाला है, और इसी पिक फिल्म का पार्ट 2 जल्द ही रिलीज होने जा रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या हो सकती है इस फिल्म की कहानी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मीरा और उसका दोस्त रजत जो वकील है वो विजय और उसकी फैमिली के साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और रिया जो विजय के घर के पास ही रहने आई है वो अंजू की दोस्त बनने का नाटक कर रही है, और रजत ने उसे जो ड्रग्स दी है वो उसे दे रही है, और अंजू जिस साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है वो भी मीरा की साइड पर ही है, और वहाँ विजय भी मीरा पर नजर रखे हुआ था लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था, और उसे रिया पर भी शक होने लगा था तो अब वो रिया पर भी नजर रख रहा था। अब इसके आगे विजय, नंदिनी और दोनों लड़कियां डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं और विजय उनसे पूछता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहां कैसे? तब वो इंस्पेक्टर कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर विजय। ये सुन विजय चौंक जाता है और उससे पूछता है, ये क्या कह रहे हैं आप, अरेस्ट क्यों, मैंने क्या किया है?
तब वो इंस्पेक्टर उसे एक ड्रग का एविडेंस दिखाते हुए कहता है, ये ड्रग्स आपकी शॉप से बरामद की गई है, आपके ऊपर ड्रग की स्मगलिंग का आरोप है। ये सुन पहले तो विजय को कुछ समझ में नहीं आता और फिर वो गुस्सा होते हुए इस इंस्पेक्टर से पूछता है, आपने मेरी मंजूरी के बिना मेरे शॉप को चेक कैसे किया। तब वो इंस्पेक्टर उसे एक नोटिस दिखाता है और कहता है, ये रहा वारंट। ऐसा कहते हुए वो विजय को हथकड़ी पहनाता है और उसे घसीटता हुआ वहां से लेकर जाता है। नंदिनी, अंजू और अनु तीनों रोते रोते उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो विजय को गाड़ी में बिठा कर लेट चले जाते हैं और वो पीछे रोते ही रह जाती हैं तीनों। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में वही सब इंस्पेक्टर गाय तोंडे यानी कि कमलेश सावंत आता है, जो अब इंस्पेक्टर बन चुका है, और वो विजय को देखकर बोलता है, आखिरकार फिर एक बार आ ही गया ना तू मेरे सामने, अब तू देख तेरे क्या हालत करता हूँ मैं। ये सुनकर विजय को भी गुस्सा आता है और वो गायतोंडे से कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये ड्रग्स मेरी ही है। तब गायतोंडे विजय को गालों से पकड़ता है और कहता है, सबूत चाहिए तुझे, तो सबूत ये है कि तुझे रंगे हाथों हमने ड्रग्स की हेराफेरी करते हुए देखा है। ये सुनकर विजय कहता है, क्या बकवास है ये, मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इससे पहले कि गायतोंडे विजय को जवाब देता, पीछे से आवाज आती है, जैसे तुम्हें समीर के बारे में भी कुछ नहीं पता था वैसे ही। ऐसा बोलते हुए आईजी मीरा वहां पीछे से आकर विजय के सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देख विजय चौंकता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी पता था कि ये सब मीरा का ही किया धरा है। और वो उससे कहता है, क्या चाहती हैं आप, क्यों पीछे पड़ी हैं मेरे और मेरे परिवार के। ये सुन मीरा कहती है, इंसाफ चाहिए मुझे विजय सालगांवकर, इंसाफ, और वो मैं मेरे बेटे के लिए लेकर ही रहूंगी। ये सुन विजय कहता है, वो केस 5 साल पहले ही खत्म हो चुका है। तब मीरा थोड़े बड़े आवाज में बोलती है, खत्म हो चुका है, खत्म तो वो तब होगा जब मैं उसके कातिल को सलाखों के पीछे डाल दूंगी। फिर वो गायतोंडे से कहती है, गायतोंडे इनके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करना जैसा कि एक ड्रग स्मगलर के साथ होना चाहिए। तब गायतोंडे बड़ी ही खुशी से बोलता है, हो मैडम, और फिर वो विजय को मारना शुरू कर देता है। वहाँ विजय के घर में नंदिनी अपने एक जान पहचान वाले वकील को कॉल करती है, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ निराशा ही मिल रही है। तब अंजू कहती है, मैं पापा से मिलने जाती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तब नंदिनी रोते हुए कहती है, हाँ अंजू तू जा देख क्या। तब तक वहाँ पर रिया आ जाती है और अंजू से कहती है, चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन तक छोड़ देती हूँ, आई एम सॉरी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तब अंजू कहती है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। फिर वो नंदिनी से कहती है, माँ आती हूँ मैं। ऐसा कह वो रिया के साथ उसकी गाड़ी पर बैठकर चली जाती है। रिया मौका देखते ही उसे वो ड्रग्स वाला पानी पिला देती है और फिर रास्ते में गाड़ी रोककर उसे कहती है, अंजू मेरे हाथ में ना ये छोटी सी चोट लग गई है, तू यहाँ से आगे गाड़ी चला ले प्लीज। तब अंजू हाँ बोलती है और गाड़ी चलाती है, लेकिन उसके ऊपर ड्रग्स का असर होने लगता है और उसे आगे का सिग्नल दिखाई नहीं देता। वो सिग्नल तो तोड़ती ही है, साथ ही में एक गाड़ी को भी जाकर ठोक देती है, क्योंकि उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लेडी कांस्टेबल अंजू को लेकर आती है, जिसे देख विजय चौंक जाता है। और जब गायतोंडे उससे पूछता है, अब इसने क्या किया, तो वो बोलती है, नशा किया है नशा, और इसके बाद हाई होकर गाड़ी भी चलाई है। ये सुन गायतोंडे कहता है, अब आया ना कहानी में ट्विस्ट, बाप ड्रग डीलर तो बेटी ड्रग एडिक्टेड। ये सुन विजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो बस अंजू को देखे ही जा रहा है। क्या होगा अब आगे, क्या करने वाली है आईजी मीरा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सकती है दृश्यम 2 फ्लॉप। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड से जुड़ी हर बड़ी छोटी रोमांचक एवं तथ्यों को जानने के लिए एकमात्र अड्डा। आज हम दृश्यम 2 से जुड़ी बातें करेंगे और ऐसी बातें करेंगे जिनको जानने के लिए आप उत्सुक हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अजय देवगन और दृश्यम के मेकर्स को मिली बड़ी राहत जब दृश्यम को मिली हरी झंडी। दिसंबर से इसके सीक्वल का काम शुरू हो सकता है। दृश्यम 2 2015 में रिलीज अजय देवगन और श्रिया सरन स्टारर दृश्यम का सीक्वल है, जो एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है और अजय देवगन और श्रिया सरन के अलावा तब्बू, इशिता दत्ता, रजत कपूर, ऋषभ चड्ढा ने इसमें काम किया। मूवी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आई और इस मूवी की सस्पेंस स्टोरी बहुत अच्छी लगी और अब बेसब्री से लोग इसका सेकेंड पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। सभी के मन में ये सवाल है कि आगे इस मूवी में क्या होगा, क्या विजय पकड़ा जाएगा या उसका क्राइम कभी बाहर नहीं आएगा, क्या होगी दृश्यम 2 की कहानी। आधी जनता तो पता चल चुका है कि दृश्यम 2 की स्टोरी क्या होगी। क्या अरे आपको नहीं पता चला, तो आप टेंशन ना लें, हम है ना, हम आपको बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है दृश्यम 2 में।
जैसा कि आप जानते हैं और अब तो सभी लोग जानते हैं, दृश्यम मूवी रिमेक है 2013 में आई मलयालम मूवी दृश्यम की। 2013 के दृश्यम में मोहनलाल, जीतू, मीना ने काम किया था। वहीं मलयालम दृश्यम मूवी जबरदस्त हिट साबित हुई, जिसको देखते हुए इसका सीक्वल बनाना दृश्यम 2 नाम, और जिसकी कास्ट वही सेम थी जो पहले थी। मोहनलाल की ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी, जिसके कुछ समय बाद ही इसका तेलुगु वर्जन भी बना, जिसका नाम था दृश्यम 2 और उसमें वेंकटेश ने काम किया। अगर बात करें दृश्यम 2 की कहानी की, तो पार्ट 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर दृश्यम की कहानी एंड होती है। कुछ टाइम बीत जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है, और तभी अचानक से कुछ सबूत और शक के चलते डीसीपी के बेटे के गुमशुदा की कोई फिर से हो जाता है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, वैसी मूवी में सस्पेंस बढ़ता जाता है, मूवी कातिल भरती जाती है, और भाई साहब क्लाइमैक्स तो इतना बढ़िया था, काफी झटके वाला। दृश्यम 2 तेलुगु भाषा में भी रिलीज हो चुकी है, जिसमें वेंकटेश्वर ने कास्ट किया गया। लेकिन अब क्या अजय देवगन की फिल्म दृश्यम को फ्लॉप हो सकती है? दृश्यम 2 के फ्लॉप होने का रीजन दिख रहा है, वो है दृश्यम मूवी हिट रही थी। उसका रीजन था फिल्म की स्टोरी किसी को पता नहीं थी, फिर भी सभी के लिए बहुत नहीं थी। 2014 वाली मलयालम दृश्यम किसी ने देखी नहीं थी, जिसकी वजह से फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लगी। और इसको अपोजिट में दृश्यम 2 पिछले साल मलयालम भाषा में रिलीज हुई और इस साल तेलुगु वर्जन में भी रिलीज हो चुकी है, तो चांसेस है कि ऑडियंस को पहले से ही मूवी का आइडिया है, इसके स्टोरी का आइडिया है, तो ये भी हो सकता है कि वो अजय देवगन की मूवी में इंटरेस्ट ना ले। आखिर क्या वजह थी जिस वजह से दृश्यम 2 की शूटिंग भी रोक? कॉपीराइट मामले का सामना करने के बाद दृश्यम 2 के हिंदी रिमेक के निर्माता अब सीक्वल की तैयारियां कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अजय देवगन दृश्यम 2 के लिए शूटिंग कर देंगे जैसे ही वो अपनी करंट प्रोजेक्ट पर काम खत्म कर ले। वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 2015 की हिंदी फिल्म दृश्यम को प्रोड्यूस किया था, उन्होंने पहले ऐसी ही एक संपर्क से पैनोरामा स्टूडियोज के खिलाफ स्ट्रीटनिंग ऑर्डर की मांग की थी, ताकि उनकी हिंदी फिल्म के अलग सीक्वल का प्रोडक्शन करने से रोका जा सके। पैनोरामा स्टूडियोज ने तब अदालत को आश्वासन दिया था कि वाईकॉम की एप्लीकेशन की हियरिंग तक फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं होगी। अब दृश्यम 2 के हिंदी रिमेक को मिली हरी झंडी, दिसंबर में शुरू करेंगे अजय देवगन फिल्म की शूटिंग। अब देखना ये है कि दृश्यम 2 एक रीमेक, क्या पंकज त्रिपाठी मिलाएंगे अजय देवगन से हाथ? दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में, और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। बॉलीवुड के सिंगर अजय देवगन के काफी थ्रिलिंग फिल्म दृश्यम ने बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ा कमाल किया था। ये बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें 10 नेशनल अवार्ड विनर शामिल थे। फिल्म के सीक्वल की कहानी वहीं से आगे बढ़ सकती है जहां पहले फिल्म की कहानी खत्म हुई थी। हम सभी ने देखा कि किस तरह विजय सलगांवकर अपने परिवार के लिए हद पार कर देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि दृश्यम के दूसरे पार्ट में कुछ नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री होने वाली है। अगर आपने गौर फरमाया हो तो विजय सलगांवकर की एक छोटी बेटी अनु अब दृश्यम के पार्ट 2 में बड़े किरदार में नजर आ सकती है। फिल्म में 8 साल का बड़ा लैप्स दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार फिल्म के दूसरे हिस्से में विजय की छोटी बेटी अनु का किरदार अहम हो सकता है, जिसे निभाएंगी फेम ऑफ खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 और साथ ही इंस्टाग्राम स्टार अनुष्का सैन। खतरों के खिलाड़ी से अनुष्का की पॉपुलैरिटी काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। इससे पहले टीवी में उनका सुपरहिट सीरियल बालवीर आता था, और साथ ही अनुष्का कई सारे सॉन्ग एल्बम्स में भी नजर आ चुकी है, और अब फाइनली अजय देवगन के साथ अपना पहला बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम बॉलीवुड फिल्म दृश्यम की हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में मोहनलाल लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे, जो कि मलयालम सिनेमा के एक जाने माने एक्टर हैं। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम की सीक्वल हाल ही में फरवरी में रिलीज हुई थी। दोस्तों, पहले पार्ट की तरह सीक्वल भी काफी ज्यादा हिट हुआ था, जिसके बाद अजय देवगन के दृश्यम 2 के लिए इसी प्लॉट को वापस से आगे कंटिन्यू करने का प्लान मेकर्स बना रहे हैं। लेकिन कहानी को एज इट इज कॉपी नहीं किया जाएगा, फिल्म के प्लॉट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाया जाएगा, जिसमें विजय की छोटी बेटी अनु का किरदार अहम होने वाला है। अनुष्का सेन के बाद फिल्म में अगला अहम किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं पंकज त्रिपाठी। फिल्म की कहानी को जब आगे बढ़ाकर दिखाया जाएगा, तब विजय अपना घर बदल चुके होंगे और उनके एक नए पड़ोसी के तौर पर पंकज त्रिपाठी उनसे मिलेंगे।
जो कि विजय सरगावकर की जिंदगी में आने वाली आगे की परेशानियों में उनका कदम कदम पर साथ निभाएंगे और सच्ची दोस्ती निभाते हुए नजर आएंगे। यानी कि यहाँ पंकज त्रिपाठी का रोल काफी पॉजिटिव होने वाला है। दोस्तों अपना मैं ब्रेक लगाती हूँ। अब सवाल आपसे है कि इस फिल्म के लिए आप कितना एक्साइटेड है और इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है। दृश्यम 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, किसने खरीदे दृश्यम 2 के राइट्स और क्या होने वाली है इस फिल्म की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। मोहनलाल स्टारर बहुचर्चित और सुपरहिट फिल्म दृश्यम 2 के हिंदी रीमेक की घोषणा हो चुकी है। प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के पेनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल ने फिल्म के हिंदी रीमेक्स राइट्स खरीद लिए हैं। दृश्यम 2 में भी अजय देवगन और तब्बू का होना फाइनल माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल स्टार कास्ट की घोषणा नहीं हुई है। इसका ऐलान करते हुए निर्माता कुमार मंगत ने कहा, दृश्यम 2 की भारी सफलता के साथ इसकी कहानी को उसी जुनून और समर्पण के साथ कहा जाना जरूरी है और एक निर्माता के तौर पर मैं इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 के लेखक और निर्देशक जीतू जोसेफ ने इस मौके पर कहा कि दृश्यम 2 की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पेनोरमा स्टूडियोज इस फिल्म को हिंदी रीमेक के जरिए और ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहेगी। वहीं मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के प्रोड्यूसर एंटनी ने कहा कि मुझे ये जानकर बेहद खुशी है कि इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। और दोस्तों, जब दृश्यम रिलीज हुई थी लोगों में इतना ज्यादा क्रेज बढ़ गया था कि इसका हिंदी जो रीमेक है यानी कि दूसरा पार्ट है दृश्यम 2, वो तो ज़रूर आना चाहिए। तो फाइनली अब ऐसा होने जा रहा है दृश्यम 2 में। पहले फिल्म के आगे ठीक जो कहानी है वो दिखाई जाएगी। 6 साल गुजर चुके हैं और जॉर्ज कुट्टी का परिवार सब कुछ भूल कर जीने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 6 साल बाद भी पुलिस ने अपनी छानबीन नहीं रोकी है और पूरी कोशिश करी है कि उस लड़के की लाश बरामद की जाए। आपको याद हो तब्बू के बेटे की वो लाश है जिसको बरामद किए जाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इस छानबीन के बीच इतना ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न डाला गया है जो आपको भी हैरान कर देगा। जैसे कि दृश्यम में हुआ था, बस उसी तरीके से दृश्यम 2 में भी होगा। फिल्म में थ्रिलर इतने स्तर का बनाया गया है कि आपको अंत तक वो हिलने नहीं देगा। फर्स्ट हाफ में कुछ चीज़ें गैर जरूरी ज़रूर लगती हैं, लेकिन क्लाइमेक्स आते आते तमाम गैर जरूरी सीन इतने बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई किए जाएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस फिल्म को 6 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था और ऐसा ही दृश्यम 2 के साथ किया जाएगा। दृश्यम को मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, कन्नड़ भाषा, बाकी जो है उनमें भी रिलीज़ किया गया था। यहाँ तक कि चीनी भाषा में भी इस फिल्म को बनाया गया था और अब दृश्यम 2 में भी ऐसा होने वाला है। आपको बता दें, दृश्यम के जो निर्देशक हैं निशिकांत कामत, अब वो इस दुनिया में नहीं है और अब कहा जा रहा है कि दृश्यम 2 को जीतू जोसेफ ही डायरेक्ट करने वाले, यानी कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर है। अब ओरिजिनल डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तो इस फिल्म का लेवल आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। आपको कितना वेट हो रहा है दृश्यम 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। येलो गेट्स तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ हता पता नहीं। हमारा बेटा किसी बदमाश। लोग अपनी फैमिली के लिए क्या नहीं करते, और तुम क्या करते हो? एक आइसक्रीम नहीं दिलवा सकते? आइसक्रीम तो मार्टिन के यहाँ भी मिलती है। पंजी का क्या स्पेशल? किन-किन प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं अजय देवगन? क्या नहीं है दृश्यम 2 के लिए उनके पास टाइम? कौन करेगा फिल्म का निर्देशन? मलयालम भाषा की फिल्म दृश्यम जो 2013 में रिलीज हुई थी, वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। इसकी सफलता और बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस फिल्म को हिंदी समेत कई दूसरी भाषाओं में भी बनाया गया था। मलयालम फिल्म में जहां मोहनलाल ने निभाया था, तो वहीं हिंदी वर्जन में उनकी जगह अजय देवगन ने ली थी। इस साल की शुरुआत में इस फिल्म का सीक्वल अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सीक्वल के रिलीज होते ही फिल्म की अलग अलग भाषाओं में रीमेक्स भी अनाउंस हो चुके थे। वहीं बात अगर हिंदी वर्जन की करे तो अजय इन दिनों अपने बाकी प्रोजेक्ट्स मेडे, मैदान, थैंक गॉड और एक वेब सीरीज रुद्र के काम में बिजी है।
किसी के कुछ हिस्सों की शूटिंग बाकी है तो कुछ बनकर तैयार है और किसी में पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा है। उसी के बाद अजय दृश्यम 2 के हिंदी रीमेक पर काम शुरू करेंगे। अजय फिल्म की शूटिंग इसी साल दिसंबर में नासिक में शुरू करेंगे। फिल्म में वो अपने किरदार विजय सलगांवकर को दोहराने वाले हैं, जिनमें उनके साथ तब्बू, श्रिया सरन और इशिता दत्ता जैसे स्टार्स भी वापसी करेंगे। फिल्म के पहले भाग में ये दिखाया गया था कि कैसे एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के बेटे की हत्या का इल्जाम विजय के परिवार पर लगा दिया जाता है। अब आपको बता दें कि सीक्वल में इसी कहानी को आगे बढ़ाकर दिखाया जाएगा। वही बात अगर मेकर्स की करें तो फिल्म मेकर्स अभिषेक पाठक इस बार सीक्वल को निर्देशित करेंगे, जिसका पहला पार्ट निशिकांत कामत ने निर्देशित किया था, लेकिन पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई थी। इन दिनों अजय अपने डिजिटल डेब्यू प्रोजेक्ट रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस के काम में बिजी हैं। उसके बाद वो अगले महीने मेडे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन्स की शूटिंग के लिए मॉस्को के लिए रवाना होंगे, जहाँ से वापस आने के बाद वो मैदान के बचे हिस्सों की शूटिंग पूरी करेंगे। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स को निपटा लेने के बाद अजय दृश्यम और थैंक गॉड के प्रोजेक्ट्स। मेकर्स के साथ किसकी डील हुई कैंसिल? अब कौन बनेगी अजय की ऑन स्क्रीन बीवी? निशिकांत कामत ने क्या कहा अजय के बारे में? बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं, जहां एक तरफ उनकी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अपनी ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है, तो वही उनकी एक और फिल्म मैदान अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। इतना ही नहीं, इसके अलावा साल 2015 में आई उनकी हिट फिल्म दृश्यम के सीक्वल बनने की चर्चा भी जोरों पर है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने मलयालम में रिलीज हुई ओरिजिनल दृश्यम 2 के हिंदी रीमिक्स के लिए राइट्स खरीद लिए हैं, जिसके बाद कहानी में कुछ जरूरी बदलाव के बाद फिल्म की शुरुआत होगी। अब ये तो तय है कि फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अपना वही रोल निभाते हुए नजर आएंगे जो उन्होंने 2015 की फिल्म में निभाया था। लेकिन इसी बीच फीमेल लीड को लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प बात हम आज आपके लिए लाए हैं। जी हाँ, गौरतलब ये है कि 2015 वाली फिल्म में श्रिया सरन ने अजय के किरदार की पत्नी का किरदार निभाया था, जिनको लेकर उम्मीद थी कि वो सीक्वल में भी अपने उस रोल को निभाएगी। लेकिन प्रोड्यूसर के साथ कुछ पहली बातचीत के दौरान ये सामने आया कि श्रिया ने फिल्म के लिए मना कर दिया है। दरअसल श्रिया ने फिल्म के लिए एक बहुत ही बड़ी अमाउंट की मांग की थी, जो शायद प्रोड्यूसर मंगत के गले से नहीं उतरी। इसी वजह से ये डील फाइनल होने से पहले ही कैंसिल की जा चुकी है। वही दूसरी ओर अगर ये हीरोइन की बात की जाए तो अब कौन सी एक्ट्रेस अजय की पत्नी का किरदार निभाएगी, तो उसके लिए मेकर्स तमन्ना भाटिया से लेकर शेफाली शाह जैसी अदाकाराओं से टच में है। जैसे ही इनमें से किसी एक्ट्रेस के साथ मेकर्स की कोई बात पक्की हो जाती है, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। वही ये जरूर बता दे कि अजय की बेटियों के रोल्स में इशिता दत्ता और मृणाल यादव ही होगी। फिल्म को एक बार फिर निशिकांत कामत डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड भी है। जिसके बारे में एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अजय के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था। एक्शन और कट के बीच में अजय एक सौरव प्रोफेशनल है, जबकि ब्रेक्स के दौरान उनका एक अलग हंसी मजाक वाला अंदाज भी देखने को मिलता है। मैं उनके साथ दोबारा जुड़ने के लिए एक्साइटेड हूँ और इंतजार नहीं कर पा रहा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाली फिल्म और कास्ट के बारे में ऐसी ही बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें एक शपथ आपने ली थी, अपनी वर्दी, अपने फर्ज के लिए एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में। अपनी किस फिल्म को लेकर चर्चा में है आयुष्मान खुराना? क्या एक साथ अनेक फिल्मों में आएंगे वो नजर?
आयुष्मान खुराना एक ऐसे स्टार एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उसके अलावा वो फिल्मों को लेकर अपनी चॉइसेस के लिए भी खासे मशहूर है। अपनी शुरुआत में ही उन्होंने विकी डोनर जैसी कमाल की फिल्म से सबको चौंका दिया था, जिसके बाद से उन्होंने ऐसी फिल्में चुनी जिन्हें शायद दूसरे स्टार्स ठुकरा देते हैं। उसके अलावा इन दिनों एक्टर खुद को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं कि पेंडेमिक के समय में उनकी 3 फिल्मों की शूटिंग खत्म हो चुकी है। उनका कहना है कि ये तीनों ही फिल्में समाज की सच्चाई बताती हैं, जिसकी वजह से इनका थिएटर्स में आना जरूरी है, लेकिन हालातों के चलते तीनों ही फिल्मों को OTT शिफ्ट किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या कहना है आयुष्मान का इसके बारे में। अभी हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में आयुष्मान ने कहा कि ऐसे समय में जहां लोगों के पास काम भी नहीं है, तब मैं एक साथ 3 प्रोजेक्ट्स को खत्म कर पाया हूं। इसके लिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। मैं इंतजार भी नहीं कर सकता हूं कि कब दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे। तीनों ही फिल्में हीरा है क्योंकि ये तीनों ही अलग है और ये फिल्में दर्शकों को बात करने, सोचने और देखने के लिए नया एक्सपीरियंस देंगी। दोस्तों, इसके अलावा आयुष्मान को पूरा कॉन्फिडेंस है कि उनकी ये फिल्में दर्शकों को थिएटर्स तक खींचकर जरूर लाएंगी। उन्होंने कहा, पेंडेमिक के बाद से फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है ये हम सबने देखा है। कुछ फिल्में जो रिलीज भी हुई है वो एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं कर पाई है। ऐसे में ऐसी एक फिल्म का आना बहुत जरूरी है जो उन्हें मजबूर कर दे कि थिएटर के अलावा इस फिल्म का मजा ही नहीं रहेगा। मैं चंडीगढ़ करे आशिकी, अनेक और डॉक्टर जी को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। इन फिल्मों की स्क्रिप्ट में जो यूनिकनेस है वो कमाल की है, जिसकी वजह से मैं इन्हें मना नहीं कर पाया। वहीं उनकी फिल्मों को लेकर चर्चा ये भी है कि फिल्म OTT पर भी रिलीज हो सकती है, लेकिन आयुष्मान ने ये साफ कर दिया है कि उनको फिल्म थिएटर्स के लिए ही बनी है, इसलिए OTT पर इसे रिलीज करने का कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों, इन फिल्मों में से शामिल एक फिल्म है जो जल्द ही रिलीज होने वाली है, वो है अनेक। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित ये फिल्म कहने को तो एक एक्शन थ्रिलर है, लेकिन इसमें समाज और समाज की बुराइयों से जुड़े भी कई पहलू हैं जिन्हें दर्शक खूब पसंद करने वाले हैं। इस फिल्म में आयुष्मान जोशुआ नाम के एक आदमी के किरदार में होंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म को निर्देशक अनुभव के अलावा टी सीरीज द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये फिल्म अभी कुछ ही दिनों में 17 सितंबर को। जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम JD। CBI को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं, उसकी मोहब्बत में। Why are you following me? What? मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। What does this mean? Sorry, you've been worried. दृश्यम से जुड़ी ये खास बातें क्या है, फिल्म के लिए कैसे माने थे अजय देवगन, फिल्म में किसको दिया गया था ट्रिब्यूट। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन के एक से बढ़कर एक फिल्में बॉलीवुड को दी है। वही 6 साल पहले उनकी एक ऐसी फिल्म आई थी जो आते ही बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर की लिस्ट में शामिल हो गई। इस फिल्म में अजय के साथ तब भी लीड रोल में थी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं साल 2015 में आई फिल्म दृश्यम की। आज हम आपको उस फिल्म से जुड़ी कुछ बेहद ही खास और रोचक बातें बताते हैं। इस जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर में बेहद ही शानदार तरीके से एक आम परिवार की कहानी दिखाई गई थी।
फिल्म में अजय और तब्बू के अलावा श्रिया सरन और इशिता दत्ता भी अहम किरदार में थे। इस फिल्म को निशिकांत कमत ने निर्देशित किया था। क्या आप जानते हैं कि अजय इस फिल्म को करने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुए थे क्योंकि उनके होम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म शिवाय के काम में देरी हो रही थी, जिस वजह से उनके पास 3 महीने का समय था। जब दृश्यम के मेकर्स ने देखा कि वो बिजी नहीं है तो उन्होंने अजय को मना लिया कि फिल्म सिर्फ 12 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। श्रिया, जिन्होंने इशिता की माँ का किरदार फिल्म में निभाया था, असल में वो उनसे सिर्फ 8 साल बड़ी है। ये मलयालम फिल्म दृश्यम से काफी हद तक इंस्पायर थी, जिसे जीतू जोसेफ ने लिखा और निर्देशन भी किया था। शायद ये उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए था। ये इसलिए किया गया था, जब अजय होटल में एंट्री करते हैं तो वो रजिस्टर में अपने साइन जीतू जोसेफ के नाम से ही करते हैं। फिल्म से जुड़ी तो ऐसी कई और बातें हैं जिन्हें हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल खास खबर ये है कि फिल्म का सीक्वल बन रहा है। जी हाँ, हाल ही में मलयालम फिल्म में रिलीज हुई दृश्यम 2 को काफी पसंद किया गया है, जिसके बाद सबको उम्मीद थी कि शायद फिर से इसे हिंदी में भी बनाया जाए। वही लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए फिल्म मेकर कुमार मंगत पाठक ने फिल्म के हिंदी राइट्स खरीद लिए हैं। अब जल्द ही वो इस फिल्म के लिए हिंदी वर्जन पर काम शुरू करेंगे। हालांकि उससे पहले ही फिल्म कानूनी पछड़े में पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए आपको हमारी आने वाली वीडियो को देखना होगा। क्या फाइनली दृश्यम 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है? किसने खरीदे दृश्यम 2 के राइट्स और क्या होने वाली है इस फिल्म की कहानी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। मोहनलाल स्टारर बहुचर्चित और सुपरहिट फिल्म दृश्यम 2 के हिंदी रीमेक की घोषणा हो चुकी है। प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के पेनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल ने फिल्म के हिंदी रीमेक्स राइट्स खरीद लिए हैं। दृश्यम 2 में भी अजय देवगन और तब्बू का होना फाइनल माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल स्टार कास्ट की घोषणा नहीं हुई है। इसका ऐलान करते हुए निर्माता कुमार मंगत ने कहा, दृश्यम 2 की भारी सफलता के साथ इसकी कहानी को उसी जुनून और समर्पण के साथ कहा जाना जरूरी है और एक निर्माता के तौर पर मैं इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 के लेखक और निर्देशक जीतू जोसेफ ने इस मौके पर कहा कि दृश्यम 2 की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पेनोरमा स्टूडियोज इस फिल्म को हिंदी रीमेक के जरिए और ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहेगी। वहीं मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के प्रोड्यूसर एंटनी ने कहा कि मुझे ये जानकर बेहद खुशी है कि इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। और दोस्तों, जब दृश्यम रिलीज हुई थी लोगों में इतना ज्यादा क्रेज बढ़ गया था कि इसका हिंदी जो रीमेक है यानी कि दूसरा पार्ट है दृश्यम 2, वो तो जरूर आना चाहिए। तो फाइनली अब ऐसा होने जा रहा है। दृश्यम 2 में पहले फिल्म के आगे ठीक जो कहानी है वो दिखाई जाएगी। 6 साल गुजर चुके हैं और जॉर्ज कुट्टी का परिवार सब कुछ भूल कर जीने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 6 साल बाद भी पुलिस ने अपनी छानबीन नहीं रोकी है और पूरी कोशिश करी है कि उस लड़के की लाश बरामद की जाए। आपको याद हो तब्बू के बेटे की वो लाश है जिसको बरामद किए जाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इस छानबीन के बीच इतना ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न डाला गया है जो आपको भी हैरान कर देगा। जैसे कि दृश्यम में हुआ था, बस उसी तरीके से दृश्यम 2 में भी होगा। फिल्म में थ्रिलर इतने स्तर का बनाया गया है कि आपको अंत तक वो हिलने नहीं देगा। फर्स्ट हाफ में कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी ज़रूर लगती हैं, लेकिन क्लाइमेक्स आते आते तमाम गैर ज़रूरी सीन इतने बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई किए जाएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस फिल्म को 6 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था और ऐसा ही दृश्यम 2 के साथ किया जाएगा। दृश्यम को मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़,
कन्नड़, कन्नड़ भाषा बाकी जो है उनमें भी रिलीज किया गया था। यहाँ तक कि चीनी भाषा में भी इस फिल्म को बनाया गया था और अब दृश्यम 2 में भी ऐसा होने वाला है। आपको बता दें दृश्यम के जो निर्देशक है निशिकांत कामत, अब वो इस दुनिया में नहीं है और अब कहा जा रहा है कि दृश्यम 2 को जीतू जोसेफ ही डायरेक्ट करने वाले हैं, यानी कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर है। अब ओरिजिनल डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तो इस फिल्म का लेवल आप देख सकते हैं क्या होने वाला। आपको कितना वेट हो रहा है दृश्यम 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पर।